हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहद पार से पहुंचे 3,127 प्रवासी, मावल बॉर्डर पर प्रवासियों की जांच जारी, आबू रोड। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते गुजरात व अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की सरहद पर ही जांच की जा रही है। आरटीपीसीआर कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली जा रही है। परिचय का इंद्राज किया जा रहा है। बिना वैक्सीनेशन के पहुंचे यात्रियों के मौके पर ही सैंपल ली जा रही है, इसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। बिना मास्क के आने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते राज्य सरकार निर्देश पर बॉर्डर पर अस्थायी चौकियां स्थापित की गई है। मावल व छापरी बॉर्डर पर गुजरात व अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को रोक कर जाँच की जा रही है। आरटीपीसीआर वैक्सीनेशन के साथ नाम, पता, संपर्क नंबर का रजिस्ट्रेशन में इंद्राज किया जा रहा है। बिना वैक्सीनेशन के आने वाले यात्रियों की मौके पर ही जांच की जा रही है। आवश्यक कार्यवाही के बाद ही उन्हें आगे जाने का इजाजत दी जा रही है। इसके चलते मंगलवार तक 3,127 प्रवासियों ने सरहद के जरिए सिरोही जिले व राज्य में प्रवेश किया। मावल बॉर्डर पर प्रकाश देवासी, हजारीलाल वर्मा, रामलाल अस्थाई चेक पोस्ट पर यात्रियों की जाँच करते रहे। वहीं रेको थाने में पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले रहे। बनाए चालान वसूला जुर्माना। गुजरात व अन्य प्रदेशों से आने वाले वाहन चालकों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसी के चलते मंगलवार को उप निरीक्षक चुन्नीलाल, सही राम, अब्बास व रूपा राम की ओर से वाहनों को रोक कर जाँच की गयी। एमवी एक्ट के तहत 10 चालान बनाए गए। वहीं बिना मास्क पहने 12 लोगों को जुर्माना वसूल किया गया। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।